मेरे साथ है एडवोकेट बुलिया पुलू, जो है लीगल एड काउंसिल दालसा रोई। हेलो बुलिया जी, आज आपका एक प्रोग्राम आप लोगों ने करवाया स्कूल्स में, बोलूंग हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, लीगल अवेयरनेस में। तो ये जो प्रोग्राम है, ये आप लोग कब से करवा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में? ये जो कार्यक्रम है हमारे जो आज़ाद का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, हम एक फ्री लीगल एड अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम एक नालसा ने आयोजित किया है। तो इसके तहत उनके निर्देशन, उनके जो डायरेक्शन से हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में लोअर दिबांग वैली में ये डालसा रोइंग जो है, हम भी अपना एक कार्यक्रम अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक आज के दिन हम लोगों ने 3 जगह पे किए हैं। एक है यहाँ बोलूंग हायर सेकेंडरी स्कूल में, एंड दूसरा है आपका ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोइंग में किए हैं, एंड तीसरा है आपका ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मायू में। ये तीनों स्कूलों में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो हमने ये भी सुना है कि इस कार्यक्रम में जो है, इस कार्यक्रम के तहत आप लोग डोर टू डोर अवेयरनेस भी करवा रहे हैं। जी, ये जो है बेसिकली ये जो ये आउटरीच प्रोग्राम है, ये 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है एंड ये 14 नवंबर तक चलेगा। तो अभी 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है ये प्रोग्राम, एंड जैसे अभी 2 अक्टूबर को हमने किए हैं आपके इंतहा विलेज में किए, फिर इसके बाद हमने किए हैं 7 तारीख को भीष्मक नगर में किए हैं, देन अभी 15 जो अक्टूबर को हमने किए हैं आपका बीकेवी रोइंग स्कूल में ये अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं बच्चों के साथ, एंड आज जो है 21 अक्टूबर को हम अभी बाकी तीनों स्कूलों में हमने किए हैं। और जो डोर टू डोर, जी हाँ, इसके बाद जो आगे हम 24 तारीख से हम डोर टू डोर प्रोग्राम्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी आप सब जानते हैं कि लोअर दिबांग वैली में 2 कम्युनिटीज है, एक आदि है एक दुमिशनी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों कम्युनिटी को हम कवर करें। तो अपने तो हम लोगों ने अभी अलग अलग ऐसे गाँव हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं कि कहाँ कहाँ हम जाके डोर टू डोर प्रोग्राम करेंगे। तो आप लोग ने अलग अलग ग्रुप बनवाए हैं, ग्रुप वाइज डिवाइड किए हैं। जी, तो आपने जिस तरह बताया कि 2 अक्टूबर से ये चला आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत, जो ये कार्यक्रम है जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है वो आप लोग करवा रहे हैं, तो आपने नवंबर का भी जिक्र किया है कि नवंबर तक चलेगा ये। तो नवंबर में एक सुना कि वेन भी आप कुछ करवा रहे हैं। जी जी, तो जैसे अभी अभी जैसे हमने स्कूलों में जो अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, तो अभी ये जो 24 तारीख से हम डोर टू डोर प्रोग्राम करेंगे, साथ में जो 9 तारीख है, 9 नवंबर 2021 ये जो 9 तारीख की हमारा एक लीगल सर्विस डे होता है, तो इसके बस हमारा जो स्पेशल खास दिन है लीगल सर्विसेज का, तो उनका महत्व उनको लोगों को बताना भी है, और इसी के दिन हम काफ़ी अवेयरनेस भी करने वाले हैं। तो इसके हम थोड़ा ये कर कोशिश कर रहे हैं कि जो है मोबाइल लीगल सर्विसेज बैन के थ्रू हम मोबाइल बैन के थ्रू, जी वो शांतिपुर से रोइंग तक हम ये करने वाले हैं 9 तारीख को। और अब बुलिया जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम का जो मेन जो टॉपिक्स क्या है? यहाँ पे हम ऐसे मतलब ऐसे जिसे अलग अलग दिन में अलग अलग तरह के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसा चूँकि ये लीगल सर्विस अथॉरिटी का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो हम ये कर रहे हैं कि इस लोगों को ये बताएं कि लीगल सर्विसेज एक्ट क्या है, उसके क्या स्कीम्स हैं, देन साथ में हम उनको ये जो अपने जो बेसिक लॉज हैं क्रिमिनल प्रोसीजर्स के वो बता रहे हैं, एंड साथ में विक्टिम कंपनसेशन, और इसके अलावा जैसे भी पॉक्सो एक्ट के ऊपर बता रहे हैं जो बच्चों के लिए है, देन उसके बाद फिर आपका जो है ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो बच्चों के लिए है वो भी बता रहे हैं, देन आपका जेजी एक्ट हो गया, साथ में फिर आपके जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो एक्ट है जी उसके ऊपर भी बता रहे हैं, देन राइट टू एजुकेशन एक्ट वो भी बच्चों के लिए ही है तो ये भी बता रहे हैं, फिर साथ में जो अभी जो महिलाएं हैं औरतें हैं उनके लिए हम लीगल राइट्स वो सब भी हम ये सब टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में। यानी कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम में काफ़ी सारे ऐसी बातें आप लोग बता रहे हैं, जो लीगल टीम है आप लोग बता रहे हैं, जो कि आम लोग शायद बहुत नहीं जानते इसके बारे में ठीक से। जी हम ऐसे है कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है ये सब के बारे में, और चूंकि सब एक्सेस भी नहीं होता है, जानकारी नहीं होने के वजह से ही मतलब अपना राइट्स वो नहीं वो कर पाते हैं। तो हमारी छोटी सी कोशिश है कि आपका जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का कि हम ऐसे गांव-गांव तक जाए, उन लोगों तक पहुँचें कि ताकि ये जो लीगल अवेयरनेस कराए उन लोगों को, ताकि ऐसे कोई रह ना जाए, कोई व्यक्ति ऐसे ना रह जाए जो आपके जो लीगल राइट्स या ये इससे वंचित रह जाए। तो अभी आप लोग जहाँ जहाँ करवा रहे हैं, तो
स्टूडेंट्स के बात कहें कि बच्चों की, या फिर जो आपने बताया कि गांव में भी आपने किया, तो लोगों का जो प्रतिक्रिया है वो क्या क्या है? ये लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अभी ऐसा होता है जैसे कि उनको नहीं भी पता होता ना ऐसे कि ऐसा होता भी है, तो जब हम जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे फैसिलिटीज है यहाँ पे आपके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धाओं के लिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो ऐसे कानून बनाए गए हैं, और जो जो ये जैसा कि उनका जो जस्टिस के लिए है, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं जो उनको नहीं पता था, तो उनको जानकर बहुत खुशी हुई है। और हम ये देखते हैं कि ऐसे जहाँ जहाँ हम अवेयरनेस कराते हैं, इसके बाद आते ही लोग हमारे पास ये फ्री लीगल सर्विसेज लेने के लिए। तो अभी आप हमारे ज़रिए अगर कुछ संदेश हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे तो मैं ये सभी से ये कहना चाहूँगी, इससे पहले मैं एक और सबको ये बताना चाहूँगी कि 30 अक्टूबर 2021 को हम ये जो डालसा रोइंग एक इन कोलाबोरेशन विद नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के साथ एक और ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, खासतौर ये महिलाओं के लिए है। उसमें महिलाओं के अपनी राइट्स बताई जाएगी, उनके क्या मतलब वीमेन लॉस इन इश्यूज है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगी, हो सके तो हम आंचल समिति हॉल में कंडक्ट कराने वाले, आप सभी महिलाएं जरूर आए इस कार्यक्रम में लोअर दिबांग वैली के। जी जी, लोअर दिबांग वैली के। स्टेट की बात करो तो उनको क्या कहना है? ये क्या है ना कि ये हर एक जिला में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये तो हम भी अपने जिला में हम ये कंडक्ट करा रहे प्रोग्राम। और अभी मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी हम जो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, इनकी हर जो एक छोटी कोशिश है कि हर एक को एक इंसाफ मिलना चाहिए, कोई ऐसे वंचित ना रह जाए, पीड़ित है जी, तो इसलिए यही कोशिश प्रयास हम कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप हम जो जानकारियाँ दे रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम जो हो रहे हैं, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इसमें ज़रूर समझें, और जो जो भी मतलब ये है फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, उसका ज़रूर अब ये करें, अवील करें जी। तो एडवोकेट ने हमें बताया कि जो प्रोग्राम्स आप लोग करवा रहे हैं, बुलिया जी ने हमें बताया कि जो प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके अब बढ़ चढ़ कर आप सभी उसमें हिस्सा ले ही नहीं बल्कि अवील करें, जो जितने भी आपके लिए जितने भी कर रहे हैं, आपके लिए जितने भी कानून बनाए गए हैं, आपके राइट जो हैं उसे आप अवील कीजिए। और अभी जिस तरह से बताया कि अभी जो 9 अक्टूबर 30 को जो स्पेशल प्रोग्राम एवरी डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाएगा, और लोअर दिबांग वैली में स्पेशली यहाँ पे भी करवाया जाएगा, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, जितने भी वुमेंस हैं आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, अपने राइट्स के, अपने अधिकार के बारे में आपको जानना, हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं रोशनी परी द स्पेस से रोइंग।